बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 24 सीट पर विधान परिषद के चुनाव 4 अप्रैल को होनी है। इसी कड़ी में हम आपको बता देना चाहते हैं कि बांका भागलपुर की सीट पर अनेकों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करवाया है। इसी बीच कई प्रत्याशियों को राजनीतिक दल से सीट नहीं मिल पाई तो कई प्रत्याशी निर्दलीय ही खड़े उतर गए। राजनीतिक की अगर बात करें तो हार और जीत का सामना एक प्रत्याशी को करना ही पड़ता है। इसी बीच एक प्रत्याशी, जाने माने प्रत्याशी वेलहर विधायक मनोज यादव की पत्नी सिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल करवाई। जन समर्थन की भीड़ जुट गई। बांका भागलपुर के कई जाने माने दिग्गज नेता भी पहुंचे। आइए उन प्रत्याशियों की आवाज़ को सुनते हैं जो प्रत्याशी अपना बांका भागलपुर से एकमात्र महिला उम्मीदवार होने के नाते आवाज़ उठाने का काम कर रही हैं। जीतने के बाद मेरा प्रथम प्रयुक्ता रहेगा कि महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उस पर मेरा सदन में आवाज़ उठेगी। सदन में हम रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और त्रिय स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का जो अधिकार है उसको दिलाने का हम काम करेंगे। तो अच्छा समर्थन है और कार्यकर्ता के समर्थन पर हम चुनाव में मैदान में उतरे हैं और उन्हीं के समर्थन हम चुनाव जीत रहे हैं। ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। तो 2006 से लगातार 5 साल चेयर डिस्ट्रिक्ट देखे और लगातार जिला परिषद नहीं रहते। हम बांका और भागलपुर की त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि से यही अपील करना चाहते हैं कि पार्टी लेवल पर चुनाव नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी क्या करता है, पार्टी दिया जिसको टिकट, वो 6 साल महागठबंधन में जिसको टिकट मिला है वो 6 साल रह चुके हैं MLC। और उस समय हम जिला परिषद अध्यक्ष थे बांका में, हम खुद उसको नहीं पहचानते थे कि वो हमारे जिला का MLC है, क्योंकि वो मेरे जिला परिषद में एक बार मीटिंग ही अटेंड नहीं किया। लास्ट में जब MLC चुनाव 2009 में होने लगे तब उसको हम जाने कहा वो MLC है, रहे मेरे यहाँ 6 साल, लेकिन आज तक 5 साल के दरमियान एक भी मीटिंग हमारे जिला, जबकि उसका कर्तव्य भी बनता है कि पंचायत प्रतिनिधि से वो चुनाव जीत के गए थे, उनको हर प्रखंड व जिला व बैठक मीटिंग अटेंड करना चाहिए, पंचायत क्या क्या समस्या है उसको सुनना चाहिए। लेकिन आज तक हम उसको हम जब चेयरमैन होकर नहीं पहचान पाए उसको, तो और पंचायत प्रतिनिधि उसको क्या पहचानेगा। बात रही यही जदयू की, जदयू के टिकट जो कहा बांका में कोई अवसर कैंडिडेट नहीं था जो पार्टी से जमुई से आए, ना उनको कोई पहचानता है, नहीं उसको जानता है। महिला के लिए तो बहुत विशेष क्या है, महिला का जो समस्या है, जो शिक्षा के बारे में प्रॉब्लम है, अगर हम सदन में जाते हैं उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मेरा नाम कल्पना देवी है, मैं गोड्डा जिला परिषद की अध्यक्ष रही हूँ और मेरे पति का नाम श्री संजय प्रसाद यादव है। हमारा पूरा परिवार झारखंड और बिहार दोनों जगह जनता का सेवा करते आए हैं और करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। कि जनता का सम्मान के सामने कोई पार्टी विशेष कोई काम नहीं करती है, जिसके साथ जनता है उसकी जीत निश्चित। बस मैडम बोल ही दे कि मेरे आगे कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। हम ये नामांकन समारोह में आए हैं, हम नाथनगर की पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और अभी मुखिया संघ की अध्यक्ष हैं नाथनगर की। और चूँकि हमारे जितने भी बांका के और भागलपुर के सभी प्रतिनिधि यहाँ हैं, कहीं नहीं है, कोई पार्टी में नहीं है, इसी से हम सभी को आपके मीडिया भाई के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि किसी के झांसे में नहीं आना है, सिर्फ सिंपल देवी को ही जिताना है। सिंपल देवी के नामांकन में आई हुई हूँ और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कटे हुए इंसान प्रणाम नहीं कर सकता है, उसको दो हाथ की आवश्यकता होती है, उसी तरह सिंपल यादव जी ये भागलपुर की बेटी और बांका की बहू रह के दोनों हाथ से यहाँ दोनों यहाँ प्रतिनिधि से आशीर्वाद मांगना चाहते हैं और आशीर्वाद इनको चाहिए। और रही बात, मैं अर्चना देवी अमरपुर प्रखंड मुखिया इस्लामपुर पंचायत से दोबारा आई हूँ और हमको लगता है कि हम बगल में रहते हैं और ये पूर्व में चेयरमैन रह चुकी है, हमने कभी भी ऐसी विकट परिस्थिति पौसलपुर में आई है। जब जब इन लोगों को मैंने याद किया, जब इनको याद किया, तब तक अपनी विश्वास से भी ज़्यादा खरी उतरी है और हमको लगता है कि हम लोग जनप्रतिनिधि ऐसा कोई प्रतिनिधि ही नहीं है और ख़ास करके महिलाएँ, क्योंकि महिलाएँ अपने महिला के साथ समक्ष बात कर सकती है, अच्छा खराब बोल सकती है, अपने मैचर को रख सकते पुरुषों के साथ नहीं। लेकिन मुझे खुशी होती है कि शायद बांका और भागलपुर बीच में MLC के
लिए पहले ये महिला प्रतिनिधि सिंपल यादव जी, हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आई हुई है और इन्होंने, मैं विश्वास रखती हूँ हम लोग सभी जनप्रतिनिधि मिल के, जितने भी मुखिया है हमारे समितिगण वार्ड सदस्य सदस्य जो भी है, इनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। चूँकि हम लोग किसी पार्टी विशेष से टिकट लेके नहीं आती हूँ, जिस तरह हम लोग निर्दलीय लड़ते हैं इसी तरह मैं निर्दलीय कैंडिडेट को अपने बांका और भागलपुर में लाना चाहती हूँ। हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी भाभी सिंपल यादव जी निर्दलीय प्रत्याशी रूप उम्मीदवार के तहत उन्होंने यह चुनाव की घोषणा की है और आज यह नामांकन समारोह में हम सब यहाँ एकत्रित होकर इन्हें विजय घोषित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसे तमाम जनप्रतिनिधियों से हमारा आवेदन होगा कि मनोज यादव और सिंपल देवी जी को, दोनों ये दो नहीं है, ये एक ही हैं, तो इन्हें भारी मतों से विजयी बनावे और हमारे विकास की ओर की एक नई पहल को सदन में ले जाने का कार्य करें। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने आवाम जनता के बहुत बहुत आभारी बनी रहूंगी। धन्यवाद। आज हम लोग सिंपल देवी के नामांकन में उपस्थित हुए हैं और ये निर्दलीय लड़ रही हैं और ये किसी पार्टी से नहीं है। नहीं पार्टी से रहने के कारण हम लोग का बहुमूल्य और मत इन्हीं में जाएगा और जितने भी जनप्रतिनिधि लोग जो भी हैं सभी हम लोग खास करके महिला जितने भी हैं सारी सशक्त हैं और महिला में एक पहली कैंडिडेट MLC के रूप में आई हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत उनका बधाई देती हूँ। वो आए और हम बाका और भागलपुर का नाम रोशन हो, ये विधान परिषद में जाए और अपना झंडा फहराए भागलपुर और बाका का, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।